हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी ज्ञान में। दोस्तों ये बिहार SI मेंस 2020 के लिए मॉक टेस्ट 23 है, तो आपको इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उन सारे मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना है, और साथ ही साथ आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ से इसके PDF को प्राप्त करके अपने फ़ोन में स्टोर करके रखना है, और एग्ज़ाम से पहले इस इन सारे PDF को रिविज़न करके जाना है। आप आसानी से विद इन एन आवर 1 घंटे के अंदर आप आसानी से 1500-2000 क्वेश्चन को आराम से आप रिवाइज करके जाओ कर पाओगे एग्ज़ाम में, और इसको करके जाने से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं स्टडी ज्ञान लर्निंग मैट सिंपल। सो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो दोस्तों ये जो अधिकार है वो राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो ये जो अधिकार है वो राज्यपाल को है, लेकिन उसको कंडीशन क्या है कि वो उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित चुनना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश तेलुगु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दोस्तों आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों डोगरी भाषा जो है वो जम्मू और जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर प्रांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि दोनों विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा में उम्मीदवारी लोकसभा में चुने जाने के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन होती है लोकसभा चुनाव में चुने जाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कोरम के संबंध में, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य यानी 25 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो इस संबंध में ये सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों 2020 में कुणाल कुसुमल जगन्नाथ को सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस मॉक टेस्ट को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने चार कथन दिए हुए हैं, दो कथन दिए हुए हैं, इनको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है, पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल प्रथम। ठीक है, तो दोस्तों केवल पहला जो कथन है अधिकतम 3 व्यक्ति किसी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हर साल नहीं बल्कि एक ही साल किया गया था। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस एक अध्यक्ष किस किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है,
तो आपको बताना है ऐसी कौन सी सभा है जहाँ जिसका जो अध्यक्ष होते हैं वो उसका सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं परंतु वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पीओके में कितने जिले हैं? तो दोस्तों पीओके में दो टोटल 8 जिले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर, भीमबेर, कोटिल, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, रावलकोट और सुधनोटी, ठीक है। तो आपको ये टोटल 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो याद रखने हैं क्योंकि ये इस साल काफ़ी न्यूज़ में रहा, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, तो ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान सही है? तो आपको सही मिलान को चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों यूरोपा जो है वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्राइटेनियम जो है नेपच्यून, टाइटेनियम जो है वो यूरेनस, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी कथन सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1787 में विलियम हर्सेल द्वारा यूरेनस के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक उपग्रह की खोज की गई थी? तो दोस्तों 1787 ईस्वी में विलियम हर्सेल के द्वारा ओब्रायन नाम के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ओब्रायन जो है वो प्राकृतिक ग्रह है यूरेनस का, ठीक है। तो आपको ये दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रम प्राकृतिक उपग्रह का सही क्रम है? आपको बड़ा से छोटा के क्रम में सजाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे बड़ा है ओब्रायन, उसके बाद रिया, उसके बाद टाइटेनिया, ठीक है। तो ये है इसके बड़ा से छोटा होने का सही क्रम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। बातविया किस शहर का पुराना नाम है? तो दोस्तों बातविया जो है वो जकार्ता की पुराना नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनसंख्याकी अध्ययन का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों जनसंख्याकी ये अध्ययन का पिता कहे जाने वाले हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग अनुपात के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। दोस्तों निम्न जो आपके सामने तीन ऑप्शन, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको इन तीनों स्टेटमेंट पर विचार करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है उच्च मातृ मृत्यु दर, ठीक है। दूसरा है सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात, ठीक है। तीसरा है जन्म के समय लिंग अनुपात में बदलाव, ठीक है। तो दोस्तों अनुपात में जो कारण है, लिंग अनुपात का जो कारण है वो अपरोक्त तीनों सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कौन से वो नेशनल हाईवे हैं जिनको ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, NH1 और NH2, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट यात्रा पोस्ट सेवा जो है वो इलाहाबाद से नैनी तक की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, तो आपके सामने स्थान दिया हुआ है और वहाँ पे दिया हुआ है हवाई अड्डा, तो आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दूसरा है डेबोलियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि गोवा में स्थित है, ठीक है। तीसरा है राजा सनसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में स्थित है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
सही मिलान ये है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारत का पहला स्टीम इंजन था? तो दोस्तों भारत का पहला स्टीम इंजन का नाम था देश बंधु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देश बंधु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान किए गए विकल्प को चुने। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में आपको सही मिलान को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। सुवर्ण रेखा परियोजना जो है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना पास बनाई गई है? तो दोस्तों कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर वो रिहंद परियोजना के पास बनाई गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है? ठीक है, दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवादित द्वीप है उसका नाम है न्यू मूर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से जो नीचे ये समुद्र दिख रही है इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, यानी कि इंडियन ओशियन, और हिंद महासागर में ही स्थित है मेडागास्कर जो कि एशिया का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी कंपनी है जो ग्रह इन्वेषण के लिए अंतरिक्ष रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपको एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे बड़ा देश है चीना, चीन, और सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, एशिया का, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न क्षेत्र में कौन विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है? तो दोस्तों विश्व का जो प्राकृतिक चिड़ियाघर है वो सवाना या सूडान जलवायु को बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रा के सहारे से की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तीन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, गेहूं के उत्पादक राज्यों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब और उसके बाद हरियाणा। ठीक है, ये तीन सबसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने एक एजर्सन दिया हुआ है, उसके बाद रीजन दिया हुआ है। तो पहला जो एजर्सन है वो है देश के लगभग 30% बॉक्साइट उत्पादन मध्य प्रदेश से आता है। ठीक है, और इसका जो कारण लिखा हुआ है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, कटनी, दुर्ग और बालाघाट क्षेत्र में शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाली मैकल पहाड़ियाँ में स्थित अमरकंटक पठार से बॉक्साइट प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एजर्सन भी ए और आर सही है, दोनों सही है, और आर ए का सही विवरण भी करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय गंगाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों अज्ञेय गंगाई जो जलप्रपात है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। चाय बागान के लिए डैश किस वर्षा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों चाय की बगान के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं शताब्दी में नई कृषि राजनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी के दशक में की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? तो दोस्तों बॉम्बे को पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय के द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैरथिन ऑफ बगरांजा से विवाह के उपरांत जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंप दिया था बॉम्बे को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो दोस्तों गुप्त राजाओं ने दिनार व स्वर्ण ये दो सिक्के जो चलवाए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों रामपाल ने जगदल नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अमीरों को उनके बीच इजाज़त के बिना दावतें या त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? तो दोस्तों पेशवा ने बरसाई की संधि के तहत, ठीक है, सॉरी बरसाई की संधि, ठीक है, के दौरान स्वीकार किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो दोस्तों फिरदौसी मंजिल जो है वो शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर शहर को जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों आईएनए इंडियन नेशनल एसोसिएशन का ट्रायल जो है वो लाल किला पे दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे थे? तो दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है बेहतर संबंध 1916 और 1922 ईस्वी के दौरान रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1916 से 1922 ईस्वी के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच काफ़ी अच्छा बेहतर संबंध रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको ये मॉक टेस्ट काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।